नमस्कार, एनबीसीएन के बिजनेस न्यूज में मैं पल्लवी आपका स्वागत करती हूँ। मुकेश अंबानी का जलवा कायम, रिलायंस बनी देश की फिर से नंबर वन कंपनी। नए फसल आ गए, फिर भी लहसुन के भाव आसमान पर। एशिया के सबसे रईस इंसान मुकेश अंबानी का दबदबा कायम है और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने एक बार फिर देश की टॉप कंपनी का खिताब अपने नाम कर लिया है। एक्सिस बैंक की प्राइवेट कंपनी यूनिट बर्गंडी प्राइवेट हरून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्री को लगातार तीसरे साल सबसे वैल्यूएबल फर्म माना गया है। रिपोर्ट में सबसे ऊपर मुकेश अंबानी की रिलायंस का नाम है। इस रिपोर्ट में रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैपिटल 15.6 लाख करोड़ रुपए बताया गया है और इस आंकड़े के साथ ये देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में पहले पायदान पर काबिज है। इसके अलावा रिलायंस से डिमजर के बाद बनी अंबानी की नई कंपनी जियो ने 28वीं रैंक हासिल की है। लहसुन यानी कि गार्लिक की नई फसल बाजार में आ गई है। आमतौर पर इसकी नई फसल बाजार में आने से भाव कम हो जाते हैं, लेकिन इस बार लहसुन का भाव घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपने गौर किया होगा तो हर साल में लहसुन महंगा हो जाता है। इसकी वजह है कि जाड़े में लहसुन की डिमांड बढ़ जाती है। उस समय पूष माह के जाड़ा में भी रिटेल में लहसुन 20-30 रुपए किलो बिक जाता है। किसानों को तो उसकी कीमत 5 से 8 रुपए किलो मिली थी। इस वजह से इस बार लहसुन की फसल का रकबा घट गया। किसानों ने इसकी वजह कुछ और फसल की बुआई की। किसान चाहे लहसुन की कम बुआई करे, डिमांड तो वही रहेगी, इसलिए दाम चढ़ गए। रंग में थोड़ा साफ हो और साइज में बड़ा हो तो मंडी में ही यह 480 रुपए किलो बिक रहा है। औसत साइज का लहसुन भी इस समय 100 रुपए पाव बिक रहा है। रुद्र गैस एंटरप्राइज आईपीओ को निवेशकों द्वारा जबरदस्त रिस्पांस मिला है। गैस कंपनी के इस आईपीओ को 3 दिन में 350.75 गुना सब्सक्राइब किया गया है। रुद्र गैस एंटरप्राइज आईपीओ का अलॉटमेंट आज मंगलवार 13 फरवरी 2024 को किए जाने की उम्मीद है। निवेशक आईपीओ के लिए रजिस्टर की आधिकारिक वेबसाइट लीक इंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बीएसई वेबसाइट पर रुद्र गैस इंटरप्राइज आईपीओ आवंटन स्थिति की जांच कर सकते हैं। बता दें कि रुद्र गैस इंटरप्राइज आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए गुरुवार 8 फरवरी को खुला था और सोमवार 12 फरवरी को बंद हुआ। रुद्र गैस आईपीओ का प्राइवेट बैंड 63 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। रुद्र गैस इंटरप्राइज आईपीओ का लॉट साइज 2000 शेयर का था। भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक कोल इंडिया का दिसंबर तिमाही का रिजल्ट शानदार रहा। इस रिजल्ट से खुश होकर बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हर शेयर पर 5.25 के दूसरे अंतिम की घोषणा की है। बोर्ड ने मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में मुकेश अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अग्रवाल ने 8 फरवरी को कोयला खनन समूह के निदेशक का पद ग्रहण किया। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट 20 फरवरी निर्धारित की थी, जबकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन 12 मार्च निर्धारित किया गया था। इस ऐलान के बाद वित्त वर्ष के लिए कुल डिविडेंड 20.5 प्रति शेयर हो गया है। पिछले साल नवम्बर में कोल इंडिया ने हर शेयर पर 15.25 रुपए का पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया था। पिछले कुछ वर्षों में क्रेडिट कार्ड यूजर्स में तेजी देखने को मिली है। अब भले ही पर्स में पैसे ना हो, लेकिन फिर भी हम क्रेडिट कार्ड के जरिए शॉपिंग कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड के जरिए शॉपिंग के अलावा रेलवे हाईवे टिकट भी बुक कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनी को काफी अच्छा इनकम होता है। कमाई के लिए बैंक और एनबीएफसी कार्ड ऑफर्स देते हैं। ऐसे में क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को कमाई होती है। मुकेश अंबानी का जलवा कायम, रिलायंस बनी देश की फिर से नंबर वन कंपनी। नए फसल आ गए, फिर भी लहसुन के भाव आसमान पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए एनबीसीएन न्यूज़।